सर आप दोनों को स्वागत है और पी फॉर प्रो पंगा लीग एग्जैक्टली पी फॉर ओके पहले तो आप दोनों को उड़ीसा आके कैसा लगा उड़ीसा आके हमेशा ना एक सेंस ऑफ जैसे काम और पीस आता है हमेशा हम जब भी आते हैं तो ऐसे लगता है क्योंकि मुंबई में इतनी भाग दौड़ है और हम जब यहाँ आते हैं तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि एक पीस और एक ट्रैंक्वलिटी जो है हमारे अंदर सेटल हो जाती है और डेफिनेटली हम जब भी आते हैं उड़ीसा तो हम पूरी जी का टेम्पल और इस बार हम कोनाक सन टेम्पल भी गए थे सो वी आर फीलिंग वेरी नाइस अच्छा आ, मैं बीच का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे पूरी जाके बहुत अच्छा लगता है कल सुदर्शन पटनायक जी से भी मिले उधर उनको भी हमने मिले उनका कल का कैप्चर देखा हमारा थोड़ा सा प्रोपंजा लीग का भी उनको कुछ मर्चेंडाइज प्रेजेंट किया बहुत अच्छा लग लगता है भुवनेश्वर में बहुत कॉम है लोग बहुत अच्छे हैं ये हमारा मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा विजिट है हमेशा यहाँ के मंदिर में जाके माथा टेकते हैं और पूरी मैं दो तीन बार दर्शन कर चुके हैं कल कोनार टेम्पल जाके आए जो उड़ीसा का जो हिस्ट्री और कल्चर है वो अनमैच्ड है मेरे हिसाब से और जो उड़ीसा टूरिज्म कर रहा है वो बहुत ही बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि और भी दुनिया के लोगों के सामने जाए और भी जितना गया है उससे भी Uh, ज़्यादा क्योंकि एक भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है और जैसे मैंने बोला कल्चरली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट्स है तो हमको इधर आके बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है आपने बोला कि जो सुदर्शन जी का आर्ट है पूरी गए थे आप लोग uh, तो सुदर्शन जी का आर्ट आपको कैसा लगा uh, क्योंकि उनका आर्ट में ना uh, हर एक हर एक आर्ट में एक मैसेज रहता है तो आपको कैसा लगा उनका आर्ट पहले मैं ये बोलूंगा उनका जो आर्ट है उ, उ, उसके ऊपर बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो दूसरे लेवल पे उन, उनकी जो कला है हाँ। वो वर्ल्ड रिनाउंड तो है ही तो वो उसके ऊपर बोलना लेकिन इतना अच्छा लगता है कि वो आर्ट के थ्रू अपने सैंड आर्ट के थ्रू सैंड आर्ट के थ्रू इतना अच्छा मैसेज देते हैं जैसे कल उनके स्कल्पचर में मैसेज था 150 करोड़ वैक्सीनेशन जो हुए हैं देश में तो ये इतना अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता है देश में और मेरे ख्याल से सुदर्शन जैसे और लोग होने चाहिए जो पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में बहुत सारे नेगेटिव मैसेज भी जाते हैं लोग आपस में झगड़ते रहते हैं और ऐसे पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में जाना बहुत बहुत ज़रूरी है हाँ सो इसलिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत सुदर्शन जी का कि वो अपने आर्ट के थ्रू इतने सारे पॉजिटिव मैसेज वैक्सीनेशन कोविड के बारे में टूरिज्म के बारे में अपने इकोलॉजी के बारे में हर इको टूरिज्म हर चीज़ के बारे में वो अपने सैंड आर्ट के थ्रू बात करें ओके okay. uh, मैम प्रो पंजा लीग ये प्लान कब और कैसे दिमाग में आए प्रो पंजा लीग का जो आइडिया है वो परवीन जी का था क्योंकि okay. <laughs> okay. उन्होंने बचपन में वो क्यों था वो आप वो बताएंगे कि क्यों और कैसे उनको ये आइडिया आया लेकिन ये हम चार सालों से प्रो पंजा लीग पे काम कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा वेंचर है हम कोशिश ये लोग जानते नहीं हैं कि जो पंजा है पंजा का जो स्पोर्ट हाँ. है वो काफ़ी सालों से इंडिया में भी खेला जा रहा है और हमारे पास बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड तक भी पहुँचे हैं लेकिन वो वर्ल्ड वो, आर्म रेसलिंग फेडरेशन और जो एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन तक हम चाहते हैं कि ये वहाँ तक पहुँचे प्रो पंजा लीग तो ऐसा दिमाग, दिमाग में कैसे है जो मैम ने बोले कि आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में कैसे प्रो पंजा लीग ये बचपन में मैं कई साल दिल्ली में भी बड़ा हुआ तो उधर पंजा का शौक़ था <laughs> काफ़ी सारे लोगों को और दोस्तों को और कज़न भाई लोगों को सबको तो वो कई बार मिलने का स्टाइल ही ये होता था कि अगर कोई तगड़ा आदमी नज़र आता था तो वो हमारे भाई लोग उनको बोलते थे कि पंजा लड़ लड़ाएगा वो एक दोस्ती करने का भी तरीका था और ताकत आज़माने का तरीका भी और मुझे लगता है ये एक ऐसा स्पॉट है जो आम आदमी खेल भी सकता है और सीख भी सकता है और एक आम आदमी को जोड़ भी सकता है और इसके लिए आपको ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह जो बाकी स्पोर्ट में जैसे क्रिकेट बैट चाहिए या ग्लव चाहिए हर चीज़ चाहिए टेनिस के लिए वो इस स्पोर्ट के लिए ज़्यादा कुछ आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है एक टेबल पे कई सारे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये एक आम आदमी का भी खेल है जिसमें आम आदमी इसको प्रैक्टिस करके ऑफकोर्स ताकत का भी है टेक्निक का भी है लेकिन इसमें जो भारत है वो जुड़ सकता है साथ में तो ये इस, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इसका इंडियन नाम भी है एक पंजा जो है वो हिंदुस्तानी भारतीय नाम है तो ए, एक तरफ से आम रेसलिंग इंटरनेशनल भी बहुत फेमस है एक तरफ से जो पंजा है वो इंडिया में चाहे सब कोई गांव का बच्चा हो चाहे बहुत बड़े शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो वो सब जानते हैं कि पंजा का खेल क्या है और जो बेसिक रूल है कि हाथ पकड़ के दूसरे का हाथ नीचे करना है वो रूल सबको समझ में आता है जैसे फुटबॉल में सबको मालूम है कि जो बॉल है वो दूसरे के नेट में जाना चाहिए okay. तो इसमें भी सिंपल जो बेसिक रूल है वो सबको मालूम है कि हाथ दूसरे का हाथ आपको दूसरी तरफ करना है ओके ये जो प्लेयर्स में ये कंपटीशन में कितने स्टेट का प्लेयर्स खेलते हैं मोस्टली सारे ही स्टेट uh, जो लास्ट टाइम जो नेशनल्स हुए थे और ओडिशा से भी तीस प्लेयर uh, गए थे और uh, लास्ट टाइम जो हमने रैंकिंग टूर्नामेंट किया था उसमें 400 सौ प्लेयर पूरे इंडिया से आए थे और उस वक्त हमको वो, वो अब की बार और भी होंगे क्योंकि उस वक्त हमने दिल्ली में किया था और दिल्ली में उस वक्त राइट्स ही हुए थे और कोरोना आने वाला था तो उस वक्त थोड़े से कम वो लेकिन अब की हम जब करेंगे तो हमको ये है कि 800-900 प्लेयर पूरे इंडिया से हर स्टेट से आठ सौ प्लेयर रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए आएंगे ओके सर मैम उड़ीसा के जो प्लेयर हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखिए उड़ीसा ने ऑलरेडी अपने आप को एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन तो बना दिया है दुनिया में हम सब जानते हैं कि वो एक यू you नो know, एक ऐसा डेस्टिनेशन जो स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं उड़ीसा के प्लेयर्स भी बहुत हैं बहुत ही इनफैक्ट कल ही हम दो प्लेयर्स से मिले एंड uh, हम चाहेंगे कि uh, वो प्लेयर्स को हम और पुश करें और और प्रमोट करें बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि uh, हमारा जो uh, पार्टनर में इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन है उनके uh, जनरल सेक्रेटरी केदार सारंगी जी ओड़ेसा से हैं कटक से तो हमारा ये भी प्लान है कि ओडिशा में और भी इसको प्रमोट करना है यूथ के यूथ के लिए ये, ये फिट इंडिया के उससे भी की फिटनेस है ताकत है तो इसको हम चाहते हैं कि ओडिशा में और भी जो नीचे लेवल पे जो यूथ हैं उनको और भी प्रमोट किया जाए और उनको और भी हमारे साथ इसमें जुड़े साथ में तो इसमें हमारे साथ इंडियन नॉम रेसलिंग फेडरेशन और और केदार सारंगी जी बहुत अच्छा वो वो कर रहे हैं और साथ में जुड़ के और अभी ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि उड़ीसा में एक हम इवेंट करें जल्दी ताकि उड़ीसा में और भी जितना है उससे भी और भी पॉपुलर और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसमें okay. परवीन जी एक सवाल अब एक्टर डिरेक्टर मॉडल इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं एक साथ क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी है <laughs> तो ये मैं ये कहूँगा लेकिन मुझे कई चीज़ों का शौक़ है मुझे लगता है कि एक जिंदगी है उसमें जो भी आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए तो मैं काफ़ी तो ये, ये सब चीज़ें करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है इनको करने में मजा आता है ये सब चीज़ें और मैं चाहता हूँ और भी ऑफ कोर्स करूँ अभी इस साल भी मैंने कई सारे एक्टिंग के रोल्स स्टेट ऑफ सी एज मेरा जी फाइव पे निकला था और एक दो और भी चीज़ें मेरी इस साल शूटिंग हो रही है रिलीज़ होंगी एक चीज़ डायरेक्ट भी कर रहे हैं इस साल और ऑफ कोर्स प्रोपंजा लीग तो है ही साथ में मुझे फ़ोटोग्राफी का भी शौक़ है तो कई सारे चीज़ें हैं और ट्रैवल का भी शौक़ है जिस जिस ये यू नो ये सब चीज़ें कई बार कंबाइन हो जाती हैं जैसे हम उड़ीसा है तो उड़ीसा में प्रोपंजा लीग को प्रमोट करने और कुछ टाई अपस करने के लिए आए साथ में ट्रैवल का शौक हो गया एक कोनाक भी घूम के आ गए और फोटोग्राफी का भी शौक़ हो गया कैमरा से फोटोग्राफी भी कर लिया थोड़ा सा कोनाक तो कई बार ये सब चीज़ें मिक्स uh, हो जाती है टाइम मैनेजमेंट का वो होता है बस टाइम मैनेजमेंट करना okay. प्रीति जी आ, आपने इतने सारे लैंग्वेज पे फिल्म किए हैं लेकिन आपके जो मोहब्बत फिल्म है ये काफ़ी दर्शकों दर्श ने काफी आपको ढेर सारा प्यार दिया है आ, तो उन फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे आ, खास करके मोहब्बत फिल्म के बारे में आपको कैसा ऑफर मिला क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में डेफिनेटली बहुत ही फिल्... बहुत ही लैंग्वेजेज में की है मैंने मैंने फिल्में लेकिन और एक्चुअली मोहब्बतें मेरी पहली फिल्म, फिल्म नहीं थी, नहीं थी।, नहीं थी।, <laughs> नहीं थी। <laughs> मेरी डेब्यू हिंदी फिल्म तो ज़रूर थी लेकिन उससे पहले मैंने एक मलयालम फिल्म की हुई है एक तेलुगु फिल्म की हुई है दो तेलुगु फिल्में की हुई हैं सो सो बहुत लोग नहीं जानते कि मोहब्बतें मेरी डेब्यू फिल्म नहीं थी लेकिन जी हाँ हिंदी में मेरी डेब्यू फिल्म थी और हमेशा मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी क्योंकि इसी फिल्म में मुझे आ, सच सचमुच जो ट्रेनिंग है वो आ, मिली इस इस फिल्म में कि किस तरह आ, एक प्रोफेशनली एक फिल्म बनाई जाती है किस तरह एक एक्टर और एक्ट्रेस को प्रेजेंट किया जाता है किस तरह एक एक्टर और एक्ट्रेस अपने आप को रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं और एक कितने सारे लोग होते हैं जो एक रोल के पीछे होते हैं ना सिर्फ वो डरेक्टर जो सिनेमाटोग्राफ़र है जो आपके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं जो आपके वॉइस जो आप वॉइस ट्रेनिंग कोचेस हैं जो आपके डिक्शन कोचेस कोचेज़ हैं इनफैक्ट बैरी जॉन सर को भी स्पेशली दिल्ली से बुलाया गया हमें ट्रेन करने के लिए थिएटर एक्टिंग में हमारी आवाज़ कैसे वहाँ तक पहुँचनी चाहिए हमारी हिंदी की जो डिक्शन है वो कैसे तो इतनी आई थिंक मोर देन एक साल और मेरा जो रोल था वो एक क्लासिकल डांसर का था तो आ, जो ट्रेनिंग उसके लिए चाहिए थी वो हर रोज़ मैंने आठ महीने लगातार ट्रेनिंग की सुबह छः बजे उठकर तो अब बहुत सारी चीज़ें जाती हैं और वो एक मेरे मन में हमेशा रहेगा जिस तरह से उस फिल्म के लिए मुझे ट्रेनिंग मिली और जिस तरह वो फिल्म का रोल लोगों को पसंद आया जी, जी बिल्कुल मैम ये ये फिल्म हमारा जनरेशन का टाइम पे है तो ये फिल्म काफी मैं तो बोलूँगी कि ये फिल्म कम से कम मैंने सो बार तक देख लिया हूँ ओके परवीन जी आ, आप प्रीति जी के साथ कैसे मिले और कब मिले प्रीति जी से हमने एक फिल्म किया था साथ में विद लव तुम्हारा तो वहाँ पे आ, पहली मुलाकात तो वहाँ पे नहीं हुई पहली मुलाकात डब्बू रत्नानी जी के शादी पे हुई थी जहाँ पे ये मैं बैठा हुआ था और ये आ, इनको लगा ये मुझे मिल चुकी हैं और वैसे हाय हेलो बोल रही थी तो मुझे लगा ये किसी और को बोल रही हैं तो मैंने वापस जवाब नहीं दिया <laughs> तो लेकिन मैंने पीछे अपने के देखा तो कोई नहीं था दीवार थी तो मुझे लगा उनको बुरा लगा होगा कि वो हाई हेलो बोल रही थी और मैंने मुंह मोड़ लिया तो बाद में मैंने इनको ढूंढा और मैंने बोला सॉरी मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे हेलो बोल रही हैं और सॉरी उसके लिए और बस इतनी ही बात हुई और फिर चले गए तो फिर उसके बाद जब ये फिल्म किया आ, 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 फिर हम मिले और आ, आ, फिल्म के दौरान तो बिजी ही थे आ, आ, फिल्म के दौरान मैं शूट करता था, था और फिर फोटोग्राफी का शौक़ था और ट्रैकिंग का शौक था वो मनाली में था तो मनाली में जब मुझे टाइम ऑफ था तो मैं पहाड़ों में चला जाता था चलने के लिए और फोटो खींच लेता था तो, तो कुछ ऐसे मिलने का टाइम नहीं हुआ फिर जब प्रमोशन किए फिर थोड़ा सा टाइम हुआ एक दूसरे को मिलने का समझने का और बस उसके बाद इन टच में रहे <laughs> फिल्म में शरद सक्सेना जी तो हम काफ़ी साथ में बैठ के बातें करते थे कि हमारे साथ में बहुत सीन्स थे तो शरद सक्सेना जी मुझे बैठ के बोलते थे वो लड़का थोड़ा पागल नहीं लगता वो जब देखो मधुमक्खी की पिक्चर ले रहा है या तो ट्रैकिंग पे जा रहा है या या तो यू नो नॉर्मल दूसरे एक्टर्स की तरह नहीं है जो हमेशा शीशे पे अपने आप को देखते रहते सो so, वो जरूरत तो नहीं है मालूम कितना अच्छा लगता है कितने अच्छे लगते। तो शीशे पे देखने की क्या जरूरत है ओके एक बात सच बताना आप दोनों एज एन एक्टर एक्ट्रेस

डायरेक्शन और प्रोडक्शन में क्या है कि आपको हर चीज का स्ट्रेस रहता है हर हर टाइम पे आपको कुछ ना कुछ वो रहता है कि ये भी करना है वो करना है तो एक फुल uh, टाइम uh, uh, काम है कई महीनों का जो एक्टिंग है वो ऑफकोर्स वो उस पर आप काम भी करते हैं अपने रोल के ऊपर लेकिन ऑन सेट आप जब बुलाते हैं तब जाते हैं अदरवाइज आपको क्या हो रहा है बाकी इतना कुछ स्ट्रेस नहीं है तो बहुत ही अलग चीजें हैं ये झंझट संभालना Easy है या डिफिकल्ट है <laughs> 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 देखिए मैं कभी नहीं कहूँगी कि ईजी है क्योंकि मैं एक टाइम पे मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था मैं कभी आ, मैं कुछ भी बन जाऊंगी लेकिन मैं कभी प्रोड्यूसर नहीं बनूंगी <laughs> <laughs> और एक एक सेंग भी है इंग्लिश में नेवर से नेवर तो वो मुझे सुन लेना चाहिए था क्योंकि आ, आज मैं प्रोड्यूसर हूँ प्रोडक्शन में हूँ हमने एक फिल्म पहले भी बनाई थी सही धंदे गलत बंदे जो काफी इंटरनेशनल ऑडियंसिस में फिल्म फेस्टिवल्स में गई तो एटलीस्ट um, एक फिल्म का भी एक्सपीरियंस है तो जब हम नेक्स्ट फिल्म करेंगे तो हम हम ये तो जानते हैं कि बहुत uh, uh, हर एस्पेक्ट uh, पे एक ध्यान देना पड़ता है और uh, uh, औ, और एज एन एक्टर जो हमारी एक्सपीरियंस है सेट पे हम वो भी uh, इसमें लाएंगे हाँ एक्टर्स का तो ध्यान रखेंगे ही बाकी हम चाहते हैं कि पूरे क्रू का अच्छे से ध्यान रखें और जो भी हमारे साथ फिल्म बने बनाएँ जो भी हमारे साथ जुड़े उन्हें एक प्यार का माहौल मिले एक एक्साइटमेंट का माहौल मिले और जो भी फिल्में हम बनाएं वो एक मैसेज भी दें और एंटरटेनिंग भी हो ये ना हो कि हम प्रिची मैसेज कि हम भाषण देते जा रहे हैं या फिर हम गाने ही गाते जा रहे हैं दोनों का एक अच्छा मिक्स हो और बेसिकली एंटरटेनिंग फिल्म हो ओके और मैं एक सवाल अपने आप से पूछना चाहूंगा जो आपने पूछा नहीं है मेरे ख्याल से आपने बाकी भाषाओं के बारे में प्रीति से पूछा कि आप और फिल्म करना चाहते हैं यानी और या फिल्म डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं यानी और यह या फिल्म मैं करना चाहता हूँ <laughs> और यह फिल्म डायरेक्टर के साथ मैं काम कर चुका हूँ बहुत हमारे जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर आपके उड़ीसा में और पूरे भारत में बहुत फेमस है माधव पांडा जी उनके साथ मैं दो फ़िल्म कर चुका हूं और बहुत ही अमेजिंग इंसान भी हैं और बहुत ही अमेजिंग ब्रिलियंट फिल्म डायरेक्टर भी हैं आई एम कलाम जो पूरे आ, इंटरनेशनल में बहुत फेमस हुई थी अभी मैं उनको अपना अच्छा दोस्त भी बोल सकता हूँ उनके साथ मैंने दो फिल्में किए हैं एक जल जो आ, गर्ल चाइल्ड के ऊपर काफ़ी बेस था एंड एक और फिल्म बब्लू हैप्पी है <laughs> तो आ, आ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो बहुत ही बढ़िया फिल्म डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं अगर वो कभी और या फिल्म बनाएंगे तो उनके साथ जरूर करना चाहूँगा लेकिन वो अभी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे इंसान भी हैं और जब भी वो कुछ फिल्म करते हैं तो मैं ज़रूर जुड़ना चाहता हूँ उनके साथ मैम टाइम तो होने वाला है तो एंड डिस्कशन डिस्कडून कहली तो एंड डिस्कशन दर्शक बंधू एटी कहबी सार मॅडम पाखील गोटी जय जगन्नाथ डेफिनेटली सर मैम एक बार में जय जगन्नाथ हमारे दर्शक दर्शक के लिए बोल जगन्नाथ जय जगनात। जय जगन्नाथ <laughs> ओके थैंक यू वेरी मच आप दोनों ने बिजी शेड्यूल पे हम लोगों को टाइम दिए और uh, हमारे दर्शकों को भी टाइम दिए इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक थैंक यू यू सो सो मच तो दर्शक बंधु आपने माने की मुँह कि तो स्पेशल थी आप डेफिनेटली मुझे कहि कि सरप्राइज था आम सहित अच्छे प्रीति एंड परवीन उपस्थित थे जी कि ढेर सारा सहित आलोचना कले ढेर सारा गपसपलुँ तो बर्तमान पर मत विदाय दिंतु रोज नमस्कार